हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे चैनल इजी इंडियन रेसिपीज में। मैं हूँ मुनमुन और मैं आपको आज बताने जा रही हूँ झटपट बैंगन का भरता, जिसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और ये उन लोगों के लिए बहुत इजी है जो सुबह सुबह टिफिन बनाते हैं और जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चाहिए इसके लिए। इसके लिए चाहिए हींग, जीरा। मैंने बैंगन को रोस्ट करके उसको छील के ये निकाल लिया है, उसका पल्प। लेंगे लाल मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार, राई, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला, या आप किचन किंग मसाला भी यूज़ कर सकते हैं आपकी टेस्ट के अनुसार। तो आइए अब मैं इसे चॉप कर लेती हूँ, और कांदा, टमाटर और हरा धनिया अब मैं इसे चॉप कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये चॉप कर लिया है कांदा, टमाटर और हरा धनिया। और मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आप इस टेस्ट को और इन्हांस करना चाहते हो तो ये लहसुन, मिर्ची, अदरक का पेस्ट है जो मैं आपको अगली रेसिपी में ज़रूर बताऊंगी। इससे आपका टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा। तो आइए हम रेडी स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी बनाना। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, और अब मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल। और तो देखिए फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे राई। जीरा और इन सबको एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए हमारी राई फूटने लगी है, तो अब हम इसमें गैस स्लो करके, मैंने जो आपको बताया था लहसुन का पेस्ट, वो इसमें मैं डाल दूंगी। डिपेंड ऑन हाउ टिक्का आपको, टिक्का कितना चाहिए, कितना स्पाइसी खाते हैं आप, उस हिसाब से पेस्ट डाल दीजिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी मेरे चॉप्ड अनियन और इसे मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑनियंस जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें टमाटोज डाल दूंगी। अब टमाटोज डालने के बाद मैं इसमें अपने मसाले डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से उसमें फ्राई हो जाए। पहले मैं डालूंगी हल्दी, लाल मिर्च जितना आप टिक्का खाते हैं, फिर डालूंगी इसमें धनिया और जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इससे क्या होगा, जो मेरे टमाटोज हैं वो इजीली सॉफ्ट हो जाएंगे, और इससे और भी होगा कि ये होगा कि सारे फ्लेवर जो है वो अनियंस एंड टमाटोज में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, जिससे आपकी वेजिटेबल को और इन्हांस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि टमाटोज कितने जल्दी मेल्ट हो गए क्योंकि हमने मसाले डाल दिए थे इसलिए। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं इसमें जो मैंने बैंगन का पल्प निकाला था वो अब मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इसमें बैंगन मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका, एंड जो स्मेल आ रही है इसकी, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, मैं आपको क्या बताऊँ, देख के खाने का मन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी सब्जी तैयार है। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला या किचन किंग जो आपको अच्छा लगे वो डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे।
गरम मसाला हमेशा लास्ट में डालते हैं क्योंकि इससे जो आपकी सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू भी रहती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा बॉइलिंग आ गया है, मैंने गरम मसाला डाल के इसको 2 मिनट तक थोड़ा सा पकाया। अब मैं लास्ट में इसमें डाल दूंगी हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। और अब हम गैस बंद कर देते हैं क्योंकि हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने इसे बाउल में सर्व कर दिया और ये कितनी सुंदर लग रही है। और देखो, जो टिफिन बनाना चाहता है सुबह सुबह, जिसके पास टाइम नहीं है या कुकिंग की जल्दी है, तो ये रेसिपी बहुत ही वो लोग के लिए आसान रहेगी, झटपट बन जाती है और जो भी इसे खाएगा उंगलियां चाटते रह जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रेसिपी, और रेसिपी करने के लिए, झटपट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थम्स अप देना ना भूलिए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।